नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। भारतीय जनता पार्टी अनुषांगिक संगठन के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी सर्वेश पाठक के कार्यक्रम की हुई लिस्ट तैयार। भारतीय जनता पार्टी अनुषांगिक संगठन के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी सर्वेश पाठक के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मनीष मिश्रा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि हमारी माननीय राष्ट्रीय सचिव जी के कार्यक्रम के माध्यम से मजदूरों एवं कामगारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों एवं योजनाओं से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री मिश्र ने बताया, श्री पाठक लखनऊ के विभिन्न स्थानों में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान समारोह आयोजित होना है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो शैलेन तिवारी की रिपोर्ट। महामंत्री मनीष मिश्रा राष्ट्रीय जनहित कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रदेश महामंत्री। ये आपका जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सचिव जी आपके आ रहे हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? माननीय राष्ट्रीय सचिव जी के स्वागत का स्वागत कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं की बैठक है, कार्यकर्ता सम्मान होगा। कार्यकर्ता सम्मान ये मुख्य उद्देश्य है और कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराना है, उनको उस मुख्य धारा से जोड़ना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे भाजपा में छः क्षेत्र के में पूरे प्रदेश डिवाइड किया गया है। ऐसे ही संघ की दृष्टिकोण से भी छः क्षेत्र में डिवाइड किया गया है पूरे प्रदेश को। ऐसे ही हमारे संगठन ने भी पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छः क्षेत्रों में डिवाइड किया है। आपका संगठन अलग है? नहीं, हमारा भाजपा का अनुसांगिक संगठन है, उसी अनुसार छः क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और छह क्षेत्रों को में एक एक क्षेत्र में 15-15, 16-16 जिले हैं और जिला क्षेत्रीय हम सूचना क्षेत्रीय अध्यक्ष को पहुंचाएंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को पहुंचाएगा, जिला अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी को सूचना पहुंचाएगा, विधानसभा प्रभारी मंडल अध्यक्ष को सूचना पहुंचाएगा और इसी तरह से हम लाइन में अंतिम खड़े व्यक्ति के अंतिम कामगार तक हम पहुँच सकेंगे। आप जो है कामगारों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस हिसाब से आप करेंगे? आपके नेता का आगमन है तो उस अवसर पे आप क्या कुछ नया करेंगे? इस हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव के स्वागत कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं की बैठक में हम सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको क्रियान्वित कराने का कष्ट करेंगे।